بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. I hope you all are fine. You all are welcome to the first lecture of computer science in class pre-9th. We will start from the first chapter of computer science. Before that, let's have an introduction of the book. This is the Punjab textbook of computer science for class 9th. It has 5 units. In class pre-9th, you will study first 2 units. Unit number 1, problem solving. Unit number 2, binary system. आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस यूनिट में आप सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है और डिसीजन लेना है। To understand complex problems and solve them. आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं जो कि ये 5 हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। नंबर 1, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इस स्टेप में हम प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसमें हम प्रॉब्लम की नेचर को थोरली ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। इसमें हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करते हैं, प्रॉब्लम को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हम उसके एक बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। नंबर 4 इज डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के बाद, उसको सॉल्यूशन को प्लान करने के बाद हम अब डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके होते हैं और इस स्टेप में हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। नंबर 5 स्टेप में हम उन सॉल्यूशन में से बेस्ट वन सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पहले 2 स्टेप्स डिटेल से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 3 स्टेप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे, आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच सकेंगे। अब प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज केसेस, ड्रॉ अ पिक्चर। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिगिटीज। एम्बिगिटीज मीन्स कंफ्यूजन, उलझन। प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना है इस तरह कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं हो पा रही तो इसके लिए आप 3 स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज। किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम उसका प्रीवियस नॉलेज जो हमारे पास है या इर्द गिर्द से इकट्ठा करेंगे। हम हालात वाक्यात से ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रॉब्लम किन हालात में हो रही है और फिर हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। सेकेंड स्ट्रेटजी इज यूज गैसेस। हम गैसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से है, शायद ये प्रॉब्लम इस वजह से है। हम वहाँ पे अंदाज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वी ट्राई टू गेस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू एप्रोप्रिएट गैसेस। दीज गैसेस मे बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। थर्ड स्ट्रेटजी इज ड्रॉ अ पिक्चर। हम अपनी प्रॉब्लम की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। रिमेंबर, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन होगी तो ही आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। Remember once Albert Einstein said, if I were given 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. जब आप उसको अच्छे से define करेंगे, आपको पता होगा कि actually problem क्या है, तो ही आपका काम किया जा सकता है। Okay. Second step is understanding a problem. Problem solving में second step है ये, problem को understand करना, उसको समझना।
बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे किसी पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरह समझना पड़ता है, उसकी ट्रिक को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस पजल को सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इसमें हम 5 W's आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम में से। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। Suppose your teacher assigns you a task to prepare list of students of your school whose name start with A. List is required to prepare an alphabetical directory of school. There is one way to complete this task. Means आपके टीचर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपने अपने स्कूल के उन तमाम स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। एक्चुअली आप स्कूल की एक डायरेक्टरी तैयार करना चाह रहे हैं और उसमें लिस्ट जो है स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड है जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और इस काम को करने के लिए आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। आइए अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इस सिनेरियो में से 5 W's आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 W इज व्हाट, सेकेंड इज हु, थर्ड इज वाई, फोर इज व्हेन, फाइव इज वेयर। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट, आप क्या काम करने जा रहे हैं? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद ए। नंबर सेकंड इज हु, कौन, आपने स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं जिनके ए से स्टार्ट होते हैं, स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड इज व्हाई, क्यों, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। व्हेन, कब तक का टाइम है आपके पास? आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, विद इन अ वीक। वेयर, कहाँ पर, स्कूल में ये काम करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 2 पर है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। पेज नंबर 3 पर है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इसको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है विद एग्जांपल। और आपका आज का होम टास्क यही है कि आपने ये दो टॉपिक्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेसन। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्पेशली योर पेरेंट्स। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। अल्लाह हाफिज।